सर कोरोना काल में इतना भीड़ जुटा, लोग बहुत सारे सोशल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं थी। सबसे पहले तो आप ही तोड़ रहे हैं। कोरोना के समय में मुलाकात, क्योंकि चुनाव भी अब सामने है तो स्वाभाविक है मुलाकात करके लोगों से बात करना। बिहार में कोरोना से हालात खराब हैं। हर दिन हजारों कोरोना मरीज मिल रहे हैं, लेकिन लोगों की किसे परवाह है। सरकार से लेकर विपक्ष, हर कोई बस चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ है। सरकार तो चुनाव कराने पर आमादा है ही, लेकिन विपक्ष भी अब कोरोना को भूलकर चुनावी दंगल में उतरने के लिए अपनी लंगोट कस रहा है। लेकिन लंगोट कसने के चक्कर में विपक्ष के कुछ नेता ये भूल गए हैं कि बिहार कोरोना से लड़ाई में लगातार पिछड़ते जा रहा है। इनसे मिलिए, ये हैं उपेंद्र कुशवाहा। देश के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोरोना और प्रदेश में लागू लॉकडाउन के नियमों का इन्हें ज्ञान तक नहीं है, तभी तो 40 गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने रोहतास जिले के करगहर पहुंचे आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस दौरान उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी न सिर्फ खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया, बल्कि सूबे में लागू लॉकडाउन का भी ख्याल नहीं रखा। जरा सोचिए कि जब देश का पूर्व केंद्रीय मंत्री और एक पार्टी का मुखिया ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाएगा तो आम जनता से क्या उम्मीद की जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण और लॉकडाउन में भीड़ जुटाने पर सख्त मनाही है, लेकिन नेताजी तो कानून से ऊपर हैं। पहले तो लॉकडाउन के बीच में सैकड़ों कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और फिर सोशल डिस्टेंसिंग की ऐसी तैसी कर डाली। एहतियात के तौर पर लोगों ने मास्क तो जरूर लगाया था, लेकिन सामान्य बैठकों की तरह ही कुर्सियां एक दूसरे से सटी रहीं और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर निलबटे सन्नाटा था। हालांकि कुशवाहा जी दे दरादन भाषण देते रहे। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। उनका प्रयास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में जहां कहीं भी महागठबंधन के उम्मीदवार हों, उन सभी की जीत सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, यह स्पष्ट है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत तय है। कोरोना के समय में मुलाकात, क्योंकि चुनाव भी अब सामने है तो स्वाभाविक है मुलाकात करके लोगों से बात करना और लोगों का कुशल क्षेम जानना, साथ ही साथ चुनाव की तैयारी में लोग क्या कर रहे हैं उसी संदर्भ में लोगों से बात हुई है और सारे लोग लगे हुए हैं। हम लोगों की कोशिश है कि महागठबंधन का उम्मीदवार जहां जिस क्षेत्र से हो पूरे बिहार में मजबूती से सारे साथी मिलकर उनको जिताने का काम करें, उसकी तैयारी अभी से जरूरी है। सर, क्या लगता है इस बार महागठबंधन कैसा रहेगा? महागठबंधन में से तो जनता से पूछिए कि कैसा रहेगा, लेकिन हमको तो लगता है कि महागठबंधन इस बार सरकार बनाएगा। दुनिया भर का ज्ञान देने के बाद जब एक पत्रकार ने कुशवाहा जी से लॉकडाउन के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर कार्यकर्ता सम्मेलन करने को लेकर सवाल पूछा तो कुशवाहा जी की बेशर्मी मास्क लगे होने के बाद भी झलक ही गई। सर, कोरोना काल में इतना भीड़ जुटा, लोग बहुत सारे सोशल डिस्टेंस यहाँ पे नहीं थी। सबसे पहले तो आप ही तोड़ रहे हैं। अब जरा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर आम लोगों पर हुई FIR और गिरफ्तारियों की खबरों को याद करिए और हुकूमत से सवाल पूछिए कि क्या नेताजी कानून से ऊपर हैं?